सूरत तो हीरो का नगर है ना, धीरे धीरे अहमदाबाद नोटों का नगर है और सूरत हीरो का नगर है। जागृत अवस्था जीव के विष्णु रूप का सकते हैं, वो अपने शरीर का परिवार का पालन पोषण करता है और बनकर गए। स्वप्नावस्था ये ब्रह्मा का सूचक है कि जीव में नवीन सृष्टि बनाने का सामर्थ्य है और सुषुप्ति अवस्था शिव रुद्र रुद्रावस्था की सूचक है जो सबका संहार कर लेता है और इन तीनों में जो एक रहता है वो सूर्य साक्षात परम शिव शिवम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविजया। तो ये अवस्था विशेष है, इनमें वास्तविक रूप से तो कार्य कारण की कल्पना नहीं होती है कि जागृत का कार्य स्वप्न है कि स्वप्न का कार्य जागृत है कि जागृत स्वप्न का कारण सुषुप्ति है कि सुषुप्ति का कार्य जागृत स्वप्न है। ये तो बिना किसी संबंध के बिना संस्कार के अनिर्वचनीय माया के प्रताप से अपने स्वरूप में बिना कार्य कारण भाव के ही दिखती रहते हैं। ये यहाँ तक कि जो हमको कल की आज स्मृति होती है ये कल के संस्कार की स्मृति नहीं है, ये तो नवीन प्रकृति है इसी समय जो कल को बना लेती है, उसके विषय को बना लेती है, उसको स्मरण कर लेती है और तत्काल बिल्कुल त्रिपुटी जो है प्रत्येक त्रिपुटी नवी नहीं है। इसको दृष्टि सृष्टि बोलते हैं, इसमें कहीं कोई कार्य कारण भाव का संबंध नहीं है। ये तो मनुष्य जो है वो कल के धन को आज अपना धन मानता है, कल के परिवार को आज अपना परिवार मानता है, कल की बातों का आज स्मरण करता है। तो असल में स्मृति एक प्रतिभास मात्र ही है, ये तो हुए हुए की स्मृति नहीं है, हुए हुए की स्मृति नहीं है, एक भान भान ही त्रिपुटी बना करके भास रहा है और क्षण क्षण कण कण कौन कौन कुछ किसी का पूर्व के साथ पश्चिम के साथ उत्तर के साथ कोई संबंध नहीं है। संबंध तो तब हो जब कार्य कारण भाव है, इसलिए वेदांती लोग जो है वो सर्वथा जैसे हैं वैसे मस्त रहते हैं। ये सिद्धांत वेदांत में सबसे उत्कृष्ट माना जाता है परंतु सबकी समझ में आने वाला नहीं है। और ये सुषुप्ति कारण अवस्था है और स्वप्न सूक्ष्म शरीर की अवस्था है और जागृत स्थूल शरीर की अवस्था है
जागृत में विषयों का भोग होता है और स्वप्न में विषय बनाकर भोग होता है और सुषुप्ति में तल्लीन हो जाते हैं और ये कार्य कारण परंपरा अनादि है और नित्य रूप से चलती रहती है। ये सब जो है ये वैराग्य के लिए सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय अनित्यता आदि का जो वर्णन है वो केवल वैराग्य के लिए ही है। यहाँ तक ठीक है? बिल्कुल नहीं, एकदम सिद्धांत नहीं है। बल्कि वैकुंठ आदि का जो वर्णन है वहाँ भी जय विजय आदि के पतन का वर्णन करके वहाँ भी वैराग्य ही है। गोलोक में राधा श्री रामा का झगड़ा बता करके और सुषुप्ति में अज्ञान बता करके और समाधि से उत्थान बता करके उससे भी वैराग्य कराने में ही अभिप्राय है। वहाँ कहीं भी फंसाने का अभिप्राय नहीं। इसलिए जब शास्त्रों का दृष्टिकोण ये है कि वो निरोध समाधि से भी वैराग्य करा दें और अलौकिक लोकातीत से भी वैराग्य करा दें तो किसी भी वर्णन में कहीं भी अब समझ लो कि होने की है, इतनी बढ़िया बढ़िया पत्नी है और लाखों बेटे हैं, लाखों हैं बेटे और करोड़ों नाती होते हैं, लेकिन वहाँ भी अंत में शराब है, जुआ है, व्यभिचार है, परस्परी हरण है और वहाँ भी अंत में मारपीट है और सबका संहार है। तो यदि तुम दुनिया बनाओ तो बनाओगे तो क्या सोने की द्वारका से बढ़िया बनेगी? क्या उन पत्नियों से ज़्यादा बढ़िया पत्नियाँ आएंगी? क्या उन बच्चों से ज़्यादा बच्चे होंगे? तो श्री रामचंद्र आखिर अपने हाथ से ही रामकृष्ण को यदुवंशियों का संहार करना पड़ा। वही एर का हाथ में लेकर राम और कृष्ण डूब पड़े और अपने वंश का उन्होंने अपने हाथों से संहार किया। यदि उनको अपने वंश का संहार करना पड़ सकता है तो क्या तुम्हें अपने वंश का परित्याग भी नहीं करना होगा? ओहो, श्री रामचंद्र भगवान के वंश का जो वर्णन है लौक उसके बाद 21 पीढ़ी का वर्णन रघुवंश में मिलता है। 20 पीढ़ी उनका भी यही हाल है। कोई शराबी है, कोई क्षयी है, कोई। तो ये संसार जो है ये हमेशा राष्ट्र की ओर विकास की ओर चलता रहता है और उसमें ना विकास को विकास मानने योग्य है ना राष्ट्र को राष्ट्र मानने योग्य है। ये जैसा है वैसा इसके साथ अपना संबंध में छोड़कर अपने स्वरूप में सहज स्वरूप में भगवान में बैठने के लिए है, भगवान से प्रेम करने के लिए है। संसार में कहीं भी सुख नहीं है, कहीं भी निश्चिता नहीं है। आजकल तो हमारे पास बड़े बड़े घरों की जो आजकल माने जाते हैं देश में और उनके घरों का जब समाचार आता है तो मालूम होता है कि ये अखबारों में बड़प्पन है, घरों में तो दुख ही दुख है। रजवाड़ों को आपने देखा ही अपने समय कि जो यहाँ भागे हो रहे हैं ये महाराणा उदयपुर के महाराणा की राजनी मृत्यु के उपलक्ष में है। वो तो बहुत रुकारक है धर्म के लिए, लोगों को महाराणा भी मर गए, इतना दुखी होकर मरी मैं जाके रह आया उनकी। तो ये जो जयपुर की आप जानते होंगे, जोधपुर की आप जानते होंगे, ये जो बड़े बड़े महाराजा धीराज लोग हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, हम लोग बाहर से साधु लोग समझते हैं कि ये बड़े सुखी हैं, बड़े भोगी हैं, बड़े आनंद में हैं। कितना कष्ट है उनके घर में जिसकी कोई हद नहीं है। तो नारायण जो विरक्त हैं, भगवान का भजन करते हैं, वही सबसे सुखी हैं। और ये सब सपने में जैसे बाप बाप नहीं होता और बेटा बेटा नहीं होता, सपने में दोनों बाप बेटे साथ हैं, 5 बरस का बेटा 35 बरस का बाप, तो क्या सचमुच बाप बेटे हैं?
और उसी क्षण एक क्षण में ही दोनों बाप बेटे पैदा होते हैं। ऐसे ये जागृत अवस्था में जो कुछ है वो सब इसी क्षण का खेल है। तो स्वप्न जिस समय स्वप्न होता है उस समय उसमें भी क्रम मालूम पड़ता है कि ये वहां से आ रहे हैं, वहां जा रहे हैं, इतनी उम्र है इनके, ये बाप है। स्वप्न काल में स्वप्न में भी क्रम की प्रतीति होती है और जागृत काल में जागृत के क्रम की प्रतीति होती है। और वो उसी समय का क्रम है। असल में स्वप्न में स्वप्न काल में स्वप्न में स्वप्न कर क्रम की प्रतीति होती है और जागृत काल में जागृत के क्रम की प्रतीति होती है। बस वही एक है। वहाँ किसी मंदिर में जाते हैं स्वप्न काल में, जब किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो उसका इतिहास सुनने को मिलता है। हजार बरस पहले का ये मंदिर है, अमुक राजा ने इसकी स्थापना की थी, अमुक परंपरा चल रही है, ये भरद्वाज गोत्र के हैं, ये कश्यप गोत्र के हैं। तो स्वप्न काल में स्वप्न में भी काल का क्रम, उसमें भी रात होती है, दिन होता है, उसमें भी वृंदावन होता है, उसमें भी काशी होती है। सारे के सारे क्रम जैसे जागृत में होते हैं वैसे ही स्वप्न में भी होते हैं। एक मोह ही है। सर राधा कृष्ण ने लिखा है कि नाम उनका इसलिए ले लिया कि वो राष्ट्रपति थे और बड़े विद्वान माने जाते थे। उन्होंने लिखा है कि एक कुम्हार था, वो दिन भर तो माटी खोदता और गूंथता और घड़े बनाता और पकाता और शाम को बेच के रोटी खाता। जब रात को सो जाता तो रोज वो सम्राट हो जाता था। उसके पास रानी और राजकुमार और सेनापति और प्रजा और बड़ी भारी संपदा। जब रोज रोज ही स्वप्न आने लगा तो उस स्वप्न में उसका मोह हो गया। अब तो ये चाहे कि बस कब रात आवे और मैं सो जाऊं और सपना देखूं। वो स्वप्न के पदार्थों में भी आसक्ति हो गई। इसी प्रकार ये जागृत अवस्था में रोज रोज वैसा दिखता है, होता है, ऐसा भान होने के कारण मोह हो गया है। नहीं तो सच पूछो तो कल वाला आज नहीं है और आज वाला कल नहीं रहेगा, सवेरे वाला दोपहर को नहीं है, दोपहर वाला शाम को नहीं है। इतना परिवर्तन है, इतना बदलता है, जिसको हम आज भला समझते हैं कल वो बुरा निकलता है, जिसको आज बुरा समझते हैं वो कल भला निकलता है। इतनी तेजी से मन लोगों का बदल रहा है कि इसमें किसी पर भी आस्था, कल भी परसों बताया था ना, सुनाया था कि चूंकि सब सबसे कोई न कोई कपट रखते हैं, सब सबसे कोई न कोई कपट रखते हैं, इसलिए राज करने योग्य दुनिया में कोई नहीं है ना। और चूंकि सब बदल रहे हैं इसलिए किसी को भी पकड़ के यदि रखना चाहोगे तो वो दुखदायी होगा। अंत में मन ही बदल रहा है, तन ही बदल रहा है, ये अपने बाल बदल जाते हैं, अपना खून बदल जाता है, अपना बिस्तर बदल जाता है, हड्डी मांस बदल जाता है। ये कोई अपना शरीर ही जब विश्वास करने योग्य नहीं है तो दुनिया में और कौन विश्वास करने योग्य होगा। ये तो एक माया का मोह का ऐसा चक्कर है, सहसा माया भगवता। ये भगवान की ऐसी माया है कि लोग देखते भी रहते हैं, सौ सौ धक्के खाएं तमाशा घुस के देखते हैं। आश्रम होना लोका पुनः वर्ष नौ जो ना हाँ
उसके बारे में अलग अलग माना भी कि वो सारे के सारे रहने वाले सब बैराग्य के लिए है। एक आप देखो ठाकुर जी लोग जो होते हैं इनके भी प्रारब्ध होते हैं। हाँ, कभी मदन मोहन जी की पूजा पड़ जाती है और सब फीके पड़ जाते हैं, कभी गोविंद जी की पूजा। एक समय था जब गोविंद जी की पूजा वृंदावन में सबसे बड़ी थी, कभी राधा रमण जी की बढ़ जाती है, कभी राधा वल्लभ की बढ़ जाती है, कभी बिहारी जी की बढ़ जाती है, कभी उनके भक्त बहुत हो जाते हैं, कभी उनके भक्त बहुत हो जाते हैं, कभी उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, कभी उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। हाँ, आपस में एक दूसरे के भक्त एक दूसरे का प्रसाद नहीं लेते हैं, दर्शन नहीं करते हैं, नाम नहीं लेते हैं। तो जब ठाकुर जी लोगों तक की ये दशा है तो साधारण मनुष्यों की तो बातें चाहिए। हम लोगों के देखते देखते ही कितना फर्क पड़ा है। आप देखो श्री रंग मंदिर में, श्री राधा रमण में, श्री राधा वल्लभ में, और फिर कभी उन्नति होती है, कभी खूब भगत बढ़ जाते हैं, कभी खूब भोग राग लगता है, कभी खूब सेवा होती है, और कभी नारायण सीताराम। तो हाँ, अभी है कि अब आप जब मैं बोलते हैं तो लोग आपके शरीर को आपका मैं समझते हैं, गलती खाते हैं। हाँ, जिस चीज को आप अपना मैं बोल रहे हैं अगर उसको देखें तो वो स्वयं ही मुक्त हो जाए। कलकत्ता से सज्जन आए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि गृहस्थाश्रम में कभी कभी मन इधर उधर जब भटकने लगता है तब उसका शमन कैसे किया जाए। इधर क्या करता है, गृहस्थाश्रम में कभी कभी मन इधर उधर जब भटकने लगता है तब उसका शमन कैसे किया जाए। हर परिस्थिति को भगवान की कृपा समझने की का तरीका बताने की कृपा करें। सुनते हैं एक आदमी ने कोई भूत सिद्ध किया, तो भूत ने कहा कि डर मांगो। बोले मैं जो कहूं सो तुम कर दिया करो, हमारी आज्ञा में रहो। उसने कहा कि ये है कि हमको हर समय काम बताया करो, जिस समय काम नहीं बताओगे उस समय मैं खा जाऊंगा, और यदि काम बताते रहोगे तो करता रहूंगा। अब तो उन्होंने काम बताया, एक बताया, दो बताया, चार बताया, वो तो मिनटों में कर दे, आके सिर पे खड़ा, और बताओ नहीं तो खा जाऊंगा। अब बेचारे बहुत डरे, एक महात्मा के पास गए। महात्मा ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, डरो मत, उससे कहो कि दुनिया में जो सबसे बड़ा बांस हो तो ले आए। अच्छा ले आए, उन्हें साहब कहो कि इसको खूब मजबूती से गाड़ दो, गाड़ दो, तब फिर उसको हुक्म दो कि इस पर चढ़ो और उतरो। जब तक मैं दूसरा हुक्म न दूं, दूसरी आज्ञा न दूं, तब तक तुम इस पर चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, यही तुम्हारे लिए काम है। तो देखो भाई अपने हृदय में एक भगवान की मूर्ति बैठा लो, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। और अपने ये मन जो है भूत है, ये तुम्हारे पीछे लगा, तो इसको काम नहीं बताओगे, निकम्मा रखोगे तो तुमको खा जाएगा, भटकेगा। इसलिए इसको ऐसे काम में लगाओ, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कौरे, राधा कृष्ण राधा कृष्ण, मेरो मन राम है राम रतवे, मेरा मन राम 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 राम। जब जब काम हो काम कर लो, और काम न हो तो अपने मन को भगवान के स्मरण में, चिंतन में, उनके रूप में, उनकी माधुरी में लगा दो। हमेशा के लिए एक काम अपने मन को दे दो, स्नान करना हो कर लो, नित्य कर्म करना हो कर लो, भोजन बना लो खा लो,
ऑफिस का काम कर लो, लेकिन मन को खाली मत रखो। जब खाली रखोगे तब तो वो भटकेगा, यहां से वहां जाएगा, और यदि खाली नहीं रखोगे तो अपने समय को भगवान के नाम जप से और उनके स्मरण से, उनके रूप के ध्यान से भरे रखो, अपने मन को खाली मत रखो। धरलाल जी दिल्ली महाराज से दृष्टा भाव बनाने में तीन त्रुटियां बताई गई। पहला, क्या दृष्टा अनेक है इसका ज्ञान नहीं हुआ। नंबर दो, उत्पत्ति स्थिति लय किसमें हो रहे हैं इसकी संगति नहीं लगी। नंबर तीन, सृष्टि के साथ जो संपर्क बन रहा है अथवा टूट रहा है इसका नियंत्रण करने वाला कौन है इसका ज्ञान नहीं हुआ। पहली त्रुटि समझ में आती है कि माया की उपाधि के कारण नाना जीवाभास प्रतीत हो रहे हैं, दृष्टा अखंड चेतन एक है। दूसरी और तीसरी त्रुटियों में कुछ संदेह हो रहा है। उत्पत्ति स्थिति लय में अथवा नियंत्रण में नियम नियामक भाव मानने से अद्वैत के साथ विरोध होता प्रतीत होता है, इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। देखो जी, दृष्टा भाव या दृष्टा स्वरूप में स्थिति या दृष्टा का अनुभव किस रूप में करते हो, यह दृष्टा है, अयम दृष्टा, तो जो इदम होगा यह होगा वो तो दृष्टा नहीं होगा, जो यह हुआ वो तो दृश्य हो गया। अच्छा, तो वह दृष्टा है ऐसा अनुभव करोगे कि कोई परोक्ष दृष्टा है, तो वह होगा तो वो तुम तो होगे नहीं, कल्पित दृष्टा होगा। अब बोलो कि मैं दृष्टा हूं, तो तुम्हारा मैं और दृष्टा, यहां भी मैं में दृश्यता का संबंध अवश्य है, तब अपने को दृष्टा बोलते हो। इसलिए दृष्टा अपने कर्तृत्व का निवारण करने के लिए अपने कर्तापन का अपवाद निषेध करने के लिए एक कल्पित बिंदु है, जिस कल्पित बिंदु दृष्टा का सहारा लेकर हम अपने और दूसरे के कर्तापन का निषेध कर देते हैं। दृष्टा दृष्टा रूप में जानने के लिए नहीं है, अज्ञान का स्वरूप है, अहम आत्मानम ब्रह्म न जानामि, मैं अपने को ब्रह्म नहीं जानता, ब्रह्म माने अद्वितीय। तो जब दृष्टा अपने को अद्वितीय ब्रह्म के रूप में अनुभव करेगा उस समय न तो नियम में रहेगा और न तो नियामक। जब तक दृष्टा किसी दूसरे से अपने को अलग करके उस दृश्य से अलग होने का अपने में दृष्टा का भाव करता है, तब तक दृश्य की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का प्रश्न उठता है, और तभी तक उत्पत्ति स्थिति प्रलय के नियामक का भी प्रश्न उठता है। परंतु जब दृष्टा ने अपने को अद्वितीय ब्रह्म के रूप में जान लिया तो ये जो दृश्य है वो सारा का सारा गायब हो गया। गायब हो गया माने मिथ्या हो गया, प्रतीत होने पर भी मिथ्या हो गया। ऐसी स्थिति में उसकी उत्पत्ति मिथ्या, वस्तु की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कोई प्रश्न नहीं रहता, और उसके नियामक का भी कोई प्रश्न नहीं रहता। इसलिए जब तक अपने को दृष्टा मानते रहोगे, ये भी एक मान्यता है, और वो अपने को कर्ता की मान्यता से छुड़ाने के लिए ये मान्यता है। जैसे आप अपने को पहले गृहस्थ मानते थे और अब सन्यासी मानने लगे, तो रहे तो वही के वही,
लेकिन गृहस्थ पने का जो अभिमान है उसको सन्यासी पने के अभिमान ने छुड़ा दिया। ये नहीं है कि आप सन्यासी होने से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हो गए। सन्यासी भी करता ही होता है, सन्यासी भी प्रवृत्ति या निवृत्ति का करते ही होता है। इसलिए सन्यासी होने से गृहस्थ पने के अभिमान का परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार अपने को दृष्टा जानने मानने से अपने कर्तापने के अभिमान का परिवर्तन हो जाता है, परंतु दृष्टा कोई नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हो गया तो बात नहीं है। उसको तत्त्वमस्यादि महावाक्य के द्वारा दृष्टा को ब्रह्म जानना होता है। और जब अद्वितीय ब्रह्म के रूप में दृष्टा अपने को अनुभव करेगा तो दृश्य का कोई प्रश्न नहीं रहता है, न उसमें उतने दृश्य की उत्पत्ति है, न स्थिति है, न प्रलय है, न उसमें नियम है, न नियामक है, न जीवाभास है। सब अपने आरोपित अवृद्धि हुई। ये भागवत में ये श्लोक आया है, यथा नभस मेघौ हो रेणुर्वा पार्थिव निले एवं दृष्टि दृश्यत्वम आरोपितम अबुद्धि अबुद्धि। ये पंडित जी को तो सब याद है ना, शास्त्र बहुत पढ़ा है। पंडित राज राजेश्वर शास्त्री के शिष्य हैं। बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं ये। अच्छा, ओम शांति। और बस अब पंडित जी आ जा तो ये बात आज आगरा से आए हुए एक सत्संगी भाई का प्रश्न सबसे पहले रखा हूँ, ये आज ही लौट जाएंगे। पूछ रहे हैं, महाराज श्री भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया गया? अवधि 14 वर्ष की ही क्यों रखी गई? क्या इसमें कोई रहस्य है? ये प्रश्न तो यदि 13 वर्ष का होता तब भी रहता, 15 का होता तब भी रहता। कोई भी वर्ष अगर उनके वनवास का होता तो इस प्रश्न का तो उत्तर नहीं हो सकता था। इसलिए आप स्वयं उसमें से जोड़ लीजिए कि 14 वर्षियों में इनकी गिनती कैसे भी जोड़ लीजिए। धर्म स्थान है, धर्म की रक्षा करनी है, विद्या स्थान है, विद्या की रक्षा करनी है, वन में जा करके ऋषियों का सत्संग करना है। 10 वर्ष तो केवल चित्रकूट में ही भगवान श्री रामचंद्र के वनवास से व्यतीत हुए, और 10 वर्ष तो उनके चित्रकूट के आनंद के हैं, और 4 वर्ष में बंद का रहने, और फिर 10 महीने में श्री जानकी हरा और वो उनकी खोज और रावण की मृत्यु, ये सब है। रहस्य ढूंढने का काम तो आप कर लीजिए, चाहे 12 हो कि 13 हो कि 15 हो, सब में एक न एक रहस्य निकल आएगा। गिनतियों का खेल बहुत लोगों को मालूम है, हमको उतना मालूम नहीं है। हाँ, ये ऐसी गिनती निकालते हैं महाराज, कहीं 18 थी, कहीं 96 थी, कहीं एक तो श्री जानकी जी हैं और 4 चारों भाई रामचंद्र हैं, नारायण, कुल मिला के 14 वर्ष के लिए भगवान को भेज दिया। ऐसी ये गिनतियां जितनी भी कोई निकालता है वो सब ऐसे ही निकाले जाते हैं, उनमें कोई मूल तत्व नहीं होता है। श्री मनोहर लाल जी, दिल्ली।
हे भगवान, हम जब मन से एक हो जाते हैं तब मन रह जाता है और हम छिप जाते हैं। जब हम मन से पृथक होते हैं तब मन हमसे पृथक नहीं रहता। इस पर प्रकाश डालने की महाराज जी की कृपा। असल में सत्ता जो है अस्तित्व, वो मैं का ही मुख्य होता है, आत्मा का ही मुख्य होता है। आत्मा की सत्ता से आत्मतः आशा आहा, आत्मा की सत्ता से ही दिशाएं मालूम पड़ती हैं, आत्मा की सत्ता से ही लोग मालूम पड़ते हैं, परलोक मालूम पड़ते हैं, ईश्वर मालूम पड़ता है। जिस समय मन में क्रोध आता है और हम समझते हैं कि ये क्रोध उचित है, तो हमारा मैं एक होता है। क्रोध में तो होती है जलन और आत्मा में होती है प्रियता, अपना आत्मा प्यारा होता है। तो क्रोध प्यारा लगने लगता है क्योंकि अपना मैं क्रोध से मिल गया। जो सत्संग करो नहीं तोरा, जब अपना आत्मा काम से मिल जाता है तो काम प्यारा लगने लगता है। असल में प्रियता तो अपने आत्मा की होती है और दूसरे से मिलने से स्त्री प्रिय होने लगती है, पुत्र प्रिय होने लगता है, धन प्रिय होने लगता है। और जब हम उनसे अपने को अलग कर लेते हैं तो उनकी कोई सत्ता ही नहीं रहती है। ये सब काम, क्रोध, लोभ, सुख, दुख, उनकी अज्ञात सत्ता नहीं होती है। जितनी देर मालूम पाते हैं उतनी देर ही होते हैं, न आगे न पीछे। बिल्कुल जैसे सपना जितनी देर होता है उतनी देर का सपना होता है, सपना मिट गया उसका जीवन भी मिट गया। इसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ आदि जो है वो जितनी देर रहते हैं उतनी देर उनका जीवन रहता है। तो उनका जीवन क्या है, अपनाए आत्मा का उनके साथ मिल जाना, उनके साथ मत मिलाओ। मिलाओ न सुख है, न दुख है, न काम है, न क्रोध है, ये इनकी अज्ञात सत्ता नहीं होती है। हमेशा जितनी देर मालूम पड़ते हैं उतनी देर रहते हैं और जब नहीं मालूम पड़ते हैं तो ये मिट जाते हैं। इसलिए इनके जीवन मरण को समझ करके कि मालूम पड़ना ही इनका जीवन है, इनकी तुच्छता को समझिए और अपने अंदर इनको स्थान मत दीजिए। एक प्रश्न है महाराज श्री, आप एक दिन सत्संग में जपे जंत श्रुतम सकलमति मुद्रा विरचना और आत्मतम गिरिजामति ही इन श्लोक बताया, जो इनमें भाव है क्या सचमुच ऐसा जीवन हमें प्राप्त हो सकता है, इसके लिए क्या करना चाहिए और ऐसी बड़ी बड़ी आशाएं करना हमारे लिए उचित है कि नहीं, कृपा से बताइए। पूछने वाली एक बहन, देखिए आपका जीवन सचमुच ऐसा ही है, आप जानते नहीं हो। आपका जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जीवन है उसमें आप जो करते हैं, जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, सब भगवान की पूजा है। लेकिन आप पूजा को समझते नहीं, पूजा को मानते नहीं, इसलिए वो पूजा नहीं रहती। सारा दोष अज्ञान का ही है, इसके सिवाय और कोई दोष नहीं है। एक यहाँ रजवाड़े थे, एक राजकुमार से उनकी लड़की की शादी तय हुई।
लेकिन ऐसा प्रसंग आया कि जिस दिन विवाह होना था उस दिन राजकुमार को युद्ध भूमि में जाना पड़ा, विवाह में नहीं जा सके। तो राजाओं की प्रथा के अनुसार उनकी तलवार वहां भेज दी गई और तलवार पर सिंदूर रख के वहां की राजकुमारी के सिर में सिंदूर डाल दिया गया, विवाह हो गया। न राजकुमारी ने राजकुमार को देखा और न राजकुमार ने राजकुमारी को देखा, परंतु विवाह हो गया। बहुत वर्षों के बाद राजकुमार युद्ध में विजयी होकर के लौटा और उसके मन में सूझी विरोध थी। वो तो अपने ससुराल के गांव में जाके और कहीं सराय में ठहर गया और उसने महाराज ऐसी साठ गांठ जोड़ी, ऐसी कुटनी बनाई कि वे राजकुमारी को राजी करके उसको मिलने के लिए ले आए। दोनों में बहुत प्रेम हुआ, दोनों मिले। मिलने के बाद राजकुमार ने बताया कि मैं दूसरा कोई नहीं हूं, मैं तुम्हारा पति हूं, मेरी तलवार की सिंदूर से तुम्हारा ब्याह हुआ था, तुम पत्नी हो, मैं पति हूं, हम दोनों तो एक ही हैं। ये सुनते ही वो लड़की जो है वो बेहोश होकर के गिर पड़ी और मर गई। अब बताओ इसमें दोष क्या था, हाँ तो उसका पति ही। इसमें केवल उस पति को पहले से न पहचानना, यही दोष था। उसने तो परपति समझ के उसका संग किया था, उसके प्रेम किया था। तो असल में हम लोग जो संसार में व्यवहार करते हैं, लाखों रूप में भगवान का दर्शन होता है, हजारों रूप में हम उनको जानते हैं, सैकड़ों रूप में वे हमारे संपर्क में हैं, दिन में कितनी बार मिलते हैं, कितनी बार जुलते हैं, और हमारी प्रत्येक क्रिया जान में अनजान में उनके सामने होती है, उनकी प्रसन्नता के लिए होती है और वे प्रसन्न भी होते हैं। पर दोष कहाँ है? दोष यही है कि न तो हम भगवान को पहचानते हैं, न तो जानते हैं कि उनके सामने ये हो रहा है, न तो जानते हैं कि वही करने कराने वाले हैं, और न तो जानते हैं कि वे हमारे आत्मा हैं। तो असल में भगवान कहीं परोक्ष नहीं है, वैकुंठ में नहीं रहते भगवान, नहीं तो देश के बच्चे हो जाएंगे। और सृष्टि के आदि अंत में ही भगवान नहीं रहते, नहीं तो काल में सीमित हो जाएंगे। कोई खास मूर्ति के रूप में ही भगवान नहीं रहते, क्योंकि द्रव्य के रूप में सीमित हो जाएंगे। इसलिए जितना भी दोष है, सबसे बड़ा पाप अन्यथा संत महात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, है कुछ और मान रहे हैं कुछ और। तो जब अज्ञान दूर हो जाता है, भगवान को पहचान लेते हैं, तो ये देखो श्याम। यही कहो श्याम काऊ कुंज में फिरत हुई है, भुज भर भेटी देखो ही उमहत है। ये हमारे बाबा थे कलाधारी बगीचे थे, नाम तो हमको तब भी याद नहीं था, अब भी नहीं है, पुराने अब से पहले। तो यही पेड़ों में आते थे और पेड़ों से बात करते थे, क्यों तुम वही पेड़ हो ना जिसकी डाली पर भगवान श्याम सुंदर बैठते थे दोनों पांव लटका के और बांसुरी बजाया करते थे। वो हो तुम गाय उसी वंश की हो ना जिसको भगवान चराया करते थे। ये धूल वही धूल है ना जिसमें श्री कृष्ण लोटपोट हुआ करते थे। तो नारायण
ये तो आदमी के मन का जो स्तर है वो मोटी मोटी छोटी छोटी चीजों को पकड़ लेता है और जो सबसे महान है उसका परित्याग कर देता है। और क्यों करता है? अज्ञान से करता है। सबके मूल में अज्ञान है, पाप के मूल में अज्ञान है, विमुखता के भगवान से विमुखता के मूल में अज्ञान है, सुखी न रहने के मूल में अज्ञान है और अज्ञान के मूल में भी अज्ञान है, क्योंकि अज्ञान का मूल अज्ञान ही हो सकता है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो नारायण इस अज्ञान को दूर करो, देखो काम में क्रोध में लोभ में मोह में, और जपो जल्प शिल्पम में, हम जो बोलते हैं भगवान का नाम है। आप लोगों को आश्चर्य होगा, एक महात्मा से उनको बनारस से लेके और कलकत्ते तक के स्टेशनों का, रेलवे स्टेशनों का नाम याद था, रेलगाड़ी नहीं, बनारस से कलकत्ता, कलकत्ता से बनारस, बनारस से कलकत्ता। अंग्रेजों के जमाने में गाड़ी खाली ज्यादा चलती थी, कोई टिकट को साधुओं से पूछता नहीं था, और सब स्टेशनों का नाम याद था, रखते रहते, बनारस काशी जैसोपुर मुगल सराय कचमन सकल दिया दीना जमन। अरे बाबा क्या बोलते हो? तो भगवान का नाम बोलते हैं। लो सोचो भगवान का नाम कैसे हो गया। भगवान का नाम ऐसे हो गया कि भगवान के सिवा दूसरा तो कोई है ना। सब जब सब भगवान है तो सबके नाम भगवान है, जब सब भगवान है तो सब रूप भगवान है। जब सब भगवान है तो सब रूप भगवान है, जब सब भगवान है तो सब नाम भगवान है। नाम रूप अलग कहां से आए? अपने को ही भगवान नाम रूप के रूप में प्रकट करके नाना नाम नाम रूपे या करवाने। तो ये असल में भगवान को न पहचानने का ही सारा दुख है, न पहचानना ही अज्ञान है, न पहचानना ही मृत्यु है। यदि एक बार भगवान को पहचान लो क्या आनंद आता है। बात तो पुरानी है, उस समय हिंदू पंच और मतवाला कलकत्ता से निकला करते थे, ईश्वरी प्रसाद जी हिंदू पंच थे और महादेव सेठ मतवाला के संपादक थे। गोयन का तो अब हुए हैं, उस समय तो बच्चे थे, अब बुढ़े हो गए। वो ईश्वरी प्रसाद शर्मा थे, हिंदू पंच में एक लेख आया करता छपने के लिए, लेखक, लेखक का नाम था मोहनलाल महतो योगी गयावाल। बड़ा बढ़िया लेख लिखता, कविता भी बहुत बढ़िया लिखता। तीनों लोग चूमने अंगूठे लगते हैं तेरे, कवि तू सगर्भ जब लेखनी उठाता है, मैं पढ़ता हिंदू पंच मतवाला। एक दिन मोहनलाल जी ने चिट्ठी लिखी ईश्वरी प्रसाद जी को कि मैं कलकत्ते आ रहा हूँ कवि सम्मेलन में, अंबिका दत्त जी व्यास उसके सभापति होंगे, तो आपसे मिलने का मन है, मैं अमुक जगह ठहरूंगा। पता अपना दे दिया। अब ईश्वरी प्रसाद जी मिलने के लिए गए तो वही थे, मोहनलाल ही थे। उन्होंने कहा कि अभी मोहनलाल कहीं बाहर चले गए हैं, आप बैठिए नाश्ता पानी कीजिए। साहित्यिक चर्चा छिड़ गई, घंटे भर बैठे रहे, मोहनलाल जी तो आए नहीं, चले गए। दूसरे दिन फिर गए, फिर उन्होंने कहा अभी अभी मोहनलाल जी बाहर चले गए, शायद आप ही से मिलने गए हों।
और दोनों बैठे घंटे भर चर्चा करते रहे। तीसरे दिन हुई सभा, कभी सम्मेलन हुआ। अंबिका दत्त जी ने पुकारा, मोहनलाल महतो अपना कविता पाठ कर रहे हैं। अब महाराज मोहनलाल महतो जब उठ के खड़े हुए तो ईश्वरी दत्त ने जाके दोनों हाथ से पकड़ लिया। अरे वो छलिया है, तीन दिन से हमको छका रहा है, तीन दिन से हमको छका रहा है। तो बाबा ये ईश्वर की बात बिल्कुल ऐसी ही है, वो तीन दिन से नहीं, जन्म जन्म से अनादिकाल से। और सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति अहम सर्वस्य प्रभवः, अनादिकाल से हमसे मिला हुआ है, मिला रहता है, कभी बिछुड़ा नहीं और कभी बिछुड़ सकता नहीं। ईश्वर में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी का परित्याग कर सके। श्री उड़िया बाबा जी महाराज से मैंने एक बार पूछा, महाराज ईश्वर बड़ा दयालु होता है, तो दया क्या चीज है? तो उन्होंने कहा कि कभी किसी को छोड़ न सकना, यही दया का अपरित्याग लक्षणा दया। उनके मुंह से ये शब्द निकला था, अपरित्याग लक्षणा दया। दया वो है जो कभी किसी का परित्याग करती ही नहीं। ईश्वर ऐसा दयालु है जो एक क्षण के लिए, एक कण को, एक कोने से भी परित्याग नहीं करता, सबके साथ मिला हुआ है। जितना भी दोष है उसको न पहचानने का है। आप सत्संग कीजिए, जो लोग उनको पहचानते हैं उनसे मिलिए, प्रेम कीजिए, भक्ति कीजिए, भगवान के चित्रपट से प्रेम कीजिए। जब भगवान देखते हैं कि हमारे चित्रपट से इतना प्रेम करता है, हमारी मूर्ति से इतना प्रेम करता है, तो अब इसके सामने हम अपने को छिपाएंगे नहीं, जाहिर हो जाता है। आप बिल्कुल ईश्वर के बारे में ये न सोचें कि वो दुर्लभ है, आप ही ईश्वर के लिए दुर्लभ हो रहे हैं। दूसरी दूसरी जगह घूम रहे हैं और मिल रहे हैं, दूसरों से मिल रहे हैं, दूसरी जगह घूम रहे हैं। ओम शांति।